जो लेटेस्ट गिमिक हुई है जो लेटेस्ट गिमिक करी है इन्होंने वो है उनतीस पॉइंट उन्नीस प्रतिशत एक टीवी चैनल में क्योंकि अडानी तो सब जगह है धारावाहिक से लेके न्यूज़ तक कोल से लेके हवाई जहाजों तक हवाई अड्डों की निगरानी से लेके पोर्ट तक मतलब आप सोचिए बिजनेस आपके दिमाग में बिजनेस सोचिए उसमें आपको मिलेगा अडानी और वो पिछले आठ साल में किस तरह प्रॉस्पर कर रहा है और वो भी हमारे पैसों से बैंक के पैसों से जो कि हमारा पैसा है अब इस मीडिया हाउस के हवाले से मैं ये खबर दे रहा हूं कि इन बिना कंसेंट के बिना कन्वर्जेशन से बिना फाउंडर के इंफॉर्मेशन और अप्रूवल के उन्तीस पॉइंट उन्नीस प्रतिशत स्टेक अडानी ग्रुप ने लीडिंग टीवी न्यूज चैनल में खरीदने की बात करी और यही नहीं रुके बोले छब्बीस प्रतिशत और ओपन ऑफर से लेंगे अब इस बाबत हमारे तीन सवाल है सरकार से पहला वह कौन है सरकार में व्यक्ति जो बैंकों के ऊपर दबाव डालता है अडानी ग्रुप को कर्जा देने के लिए क्योंकि कर्ज पे कर्ज बढ़ा जा रहा है कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रुप लगा नहीं रहा है कर्जे पे बिजनेस पे बिजनेस किया जा रहा है एक्विजिशन पे एक्विजिशन किया जा रहा है वो कौन व्यक्ति है जिसने एस को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रुप के ऊपर अडानी ग्रुप को लोन देने का दबाव डाला हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ह्यूज रिस्क आई है दो लाख बीस हजार करोड़ का ऋण है टोटल डेट इज टू पॉइंट टू ट्रिलियन और अगर हम मौजूदा जो यूएस डॉलर इंडियन रूपी की रेट ले तो दो लाख तीस हजार करोड़ हो जाएगा तो वो कौन लोग हैं जो स्टेट बैंक पे दबाव डालते हैं अडानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए दूसरा अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का हॉस्टाइल टेक ओवर करने का जो 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 प्रयास किया जा रहा है और ले लिया प्रयास क्या जी किया जा रहा है ले लिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये हॉस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है वो क्यों दर्शक बन के बैठा हुआ है तीसरा कि जब एक फर्म दो लाख तीस हजार करोड़ का कर्ज लेके देश में काम कर रही हो अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारामन जी ने क्या तैयारी करके रखी है सो दीज आर थ्री पर्टिकुलर क्वेश्चन 2014 में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी 55 लाख करोड़ रुपए की 55.9 लाख करोड़ और दो में सरकार पर उधारी बजट में लिखा है सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023 में उधारी 55.9 लाख करोड़ से बढ़कर एक लाख करोड़ हो जाएगी अर्थात 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण कर्जा था बयालीस हजार एक सौ हजार ते, एक सौ चौबीस रुपये

प्रति हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था वो 2000 वित्तीय वर्ष दो, दो में बढ़कर एक लाख नौ हजार रुपए हो जाएगा मतलब पिछले आठ सालों में मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज एक परसेंट से बड़ा है तैयलीस हजार एक सौ चौबीस से एक लाख नौ हजार रुपये ऐसा कर्ज हमारे ऊपर है जो हमने ले लिया हमारे बाबत सरकार ने ले लिया उस कारण हमारे ऊपर आ गया एक सौ बावन प्रतिशत इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई ये इस, ये तो है सरकार का मॉडल अब सरकार का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है उसकी उस उसके बारे में न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फॉर्म क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है उसके अनुसार सरकार के जो हम दो हमारे दो के नंबर वन व्यक्ति उन्होंने उनके ऊपर दो लाख तीस हजार करोड़ का कर्ज है अडानी के ऊपर कुल कर्ज अडानी ग्रुप के ऊपर दो लाख तीस हजार करोड़ रुपए का है अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है विदेशी बैंकों का कितना है सारी सारी बातें करेंगे तो क्रेडिट रिसर्च फॉर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रुप के ऊपर 2.3 ट्रिलियन 2.3 ट्रिलियन रुपये इज इक्वल टू दो लाख तीस हजार करोड़ रुपया हो गया अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज है मतलब कर्ज में दबा हुआ है फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर अनरिलेटेड बिजनेस अब तो आप देख लीजिए धरती आकाश पाताल वायु अग्नि पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में उसके अंदर अडानी ग्रुप है और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही रिपोर्ट कह रही है ये हमारा आंकड़ा नहीं है यह हम नहीं कह रहे कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है यह रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है यह रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है आगे यह रिपोर्ट कहती है और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया डेढ़ साल के अंदर जून 2000 अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य दो साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनेसेस का अनुभव नहीं है उसमें ग्रुप जा रहा है रिपोर्ट कह रही है कि बिजनेस में ग्रुप को अपनी स्वयं की कैपिटल लगाने की जरूरत है पर स्टेट बैंक ने उसी दौरान 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा 2020 से 2022 के मध्य दिया अर्थात 2020 से 22 के मध्य जो अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया उसका 40 प्रतिशत कर्जा तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलकर जिसमें जापान के बैंक अमेरिका के बैंक सिंगापुर के बैंक ऑस्ट्रेलिया के बैंक स्विट्जरलैंड के बैंकों ने सबने मिल के प्रतिशत दिया पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने उसको 40 प्रतिशत दे दिया चलिए साहब अभी तो ये बात अभी खत्म नहीं हुई है अब ये कह रहे हैं ये रिपोर्ट कह रही है कि इसके कारण भारतीय बैंकों के ऊपर भयंकर रिस्क है बड़ी रिस्क है बैंकों के ऊपर इस इस कर्जे के कारण और इ, इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो जो जिनके ऊपर चौराणु हजार चार सौ करोड़ रुपए का कर्ज है आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह अपना जो ब्याज का खर्चा है जो उनका टैक्स के बिफोर अर्निंग है उसका मात्र डेढ़ गुना वो ब्याज का है मात्र डेढ़ गुना टैक्स के बिफोर की अर्निंग के रूप में कमाते हैं इबिटा टू टू टैक्स टू ग्रॉस डेट इज 1.5 टाइम्स ओनली इबिटा टू ग्रॉस डेट फिर ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द रिपोर्ट हाइलाइट्स की आने वाले समय में इनके नए बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं होगा ये मैं नहीं कह रहा ये रिपोर्ट कह रही है और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो या तो बैंकों को इनको और कर्ज देना पड़ेगा या बैंकों का कर्ज डूब जाएगा <coughs> आने वाले समय में क्योंकि ये नया नया बिजनेस करते हैं अब इस रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि इसके कारण अडानी ग्रुप एक मैसिव डेट ट्रैप के अंदर जा चुका है और इस रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी है वो मैं अक्षरस आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं गौतम अडानी ऑल्सो एंजॉयज हेल्दी रिलेशनशिप विथ रूलिंग मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ये एज इट इज वर्कबेटिम सुना रहा हूं आपको मिस्टर अडानी एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नो ईच अदर वेल गोइंग बैक टू द लेटर डेज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात स्टेट ये इस रिपोर्ट में लिखा गया पूरा दो लाख बीस हजार करोड़ का कर्जा है पिछले दो सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40 प्रतिशत सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया आप नए बिजनेस में जा रहे हो जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको बैंकों को और कर्जा बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाओगे गौरतलब ध्यान रहे याद रहे कि 23 जून 2022 को मैंने एक और प्रेस वार्ता की थी आपको याद होगा जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट को के ऊपर मोदी जी का प्रेशर गया था कि वह जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर के प्रोजेक्ट हैं वो अडानी को अलॉट करें ये हमने नहीं कहा ये श्रीलंका के स्टेट ओन सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है अभी तक उसके बारे में उसको किस तरह उस इश्यू को खत्म किया गया चेयरमैन साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं दबाव डाला गया उन्होंने अपने शब्द वापस लिए गौरतलब है कि 2014 में जैसे ही मोदी जी सरकार में आए एस तो एसबीआई ने अडानी ग्रुप को एक बिलियन डॉलर का कर्ज देने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनाया और उसको वापस लेना पड़ा था आफ्टर कांस्टेंट प्रोटेस्ट एसबीआई ने उस एमओयू को स्क्रैप किया फिर 2020 में एसबीआई ने अडानी के कार्मिशेल कोल प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको 5000 करोड़ का लोन देने की फिर पेशकश की पर प्रेशर बाय इन, इन्वेस्टर्स का जब प्रेशर आया तो वो लोन भी स्टक हुआ अभी इसमें क्या अपडेट है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है